नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के माध्यम से आज मैं आपके सामने संविधान का पूरा वीडियो लाया हूं। इस 30 मिनट के लेक्चर में मैं पूरे संविधान को एक खाका आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। यहां पर हम संविधान का पूरा संवैधानिक विकास, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना तथा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी कमेटियां थी, कैसे कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है संविधान निर्माण की, इसके अलावा संविधान के सभी भाग, संविधान के सभी 22 भागों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सभी अनुच्छेदों को जो चीजें होंगी मैं बड़े ही संक्षिप्त रूप में एक संविधान का एक खाका आप तक प्रस्तुत करूंगा। देखिए, संविधान के यदि संवैधानिक विकास की बात करें तो 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई, ठीक है। 1600 ईस्वी में महारानी द्वारा एक चार्टर एक्ट प्रस्तुत किया गया, उसके माध्यम से ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ जहांगीर के टाइम पीरियड पे, और विलियम हॉकिंग्स जहांगीर के दरबार में आए थे। इसके बाद 1608 के बाद निरंतर राजलेख जो है प्रस्तुत किए गए। भारतीय संविधान एक भी नहीं बना, भारतीय संविधान ब्रिटिश काल से बनता चला रहा है। ब्रिटिश काल से ही लिखित विधियों के माध्यम से भारत में प्रशासन करने की नींव पड़ी, ठीक है। तो 1600 ईस्वी का राजलेख पहला राजलेख था। उसके बाद 1726 में एक चार्टर एक्ट आया था जिससे कुछ अधिकार मिले। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उस एक्ट के माध्यम से भारत में एक लिखित संविधान के द्वारा प्रशासन करने की नींव पड़ी। 1773 के बाद नेक्स्ट एक्ट 1773 का एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसके अंदर मद्रास और चेन्नई के गवर्नर को, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को उसके अंडर में कर दिया गया। और इसके इस अधिनियम के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी, सर एल्जा हिम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद 1793 में एक एक्ट आया, ठीक है, कार्नवालिस के टाइम पीरियड पे। फिर 1813 में एक एक्ट आया जिसके माध्यम से भारत में चाय करने और चीन के व्यापार को छोड़कर के बाकी व्यापार पर सभी को जो है अनुमति दी गई ब्रिटेन के माध्यम से, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन। इसके बाद 1833 का एक लॉर्ड विलियम वेटिंग के टाइम पीरियड पे, और 1833 के एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और 1833 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो मोनोपोली थी व्यापार करने की उसको खत्म कर दिया गया। इसके बाद 1853 में नेक्स्ट एक्ट आया, 1853 के बाद 1858 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी का शासन समाप्त हो गया भारत में, ठीक है, और यहां से ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ होता है। इसके बाद 1861 में एक एक्ट आया। इसके बाद 1892 में लगातार निरंतर 1892 के बाद 1909 में बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, इसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहते हैं, और इसी से सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन मंडल की नींव पड़ी। और इसके बाद जो 1919 का एक्ट आया जिसके मॉन्टेस्क्यू चेंफोर्ड सुधार कहते हैं, यहाँ पर भी एक तरीके से बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन किए गए। द्विसदनीय व्यवस्थापिका बनाई गई, ठीक है, द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया प्रांतों में हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय के माध्यम से। इसके बाद 1935 का एक्ट, इसमें केंद्र में द्वैत शासन की नींव पड़ी, प्रांतों से द्वैत शासन हटा दिया गया। 1935 के एक्ट के माध्यम से अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, ठीक है, लेकिन अखिल भारतीय संघ बन नहीं पाया। तो 1935 के अधिनियम का बहुत बड़ा रोल है भारतीय संविधान के निर्माण में। भारतीय संविधान में बहुत जो एक बहुत बड़ा सोर्स के रूप में 1935 का अधिनियम रहा, बहुत सारे अनुच्छेद डायरेक्ट वहां से उठा लिए गए, ठीक है। तो 1935 के बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, और भारतीय उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक प्रमुख पार्टी थी, मुस्लिम लीग भी एक पार्टी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जितने भी ब्रिटिशर्स द्वारा जितने भी भारतीय थे, भारतीय सैनिक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे भी नहीं उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में भेजा जाने लगा, जिसके कारण से जिसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जितने भी प्रांतों में उनकी सरकार थी उनसे इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 1940 में एक राजनीतिक गतिरोध का माहौल बन गया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत का संविधान बनाने की मांग की जाने लगी। जितने भी अधिवेशन होते थे सब में संविधान की मांग होती थी। इसके अलावा अंग्रेजों को भारत से जो है भारत को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की बात हुई। 1929 में 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा था, ठीक है, लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो हुआ था। तो इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था जिसके माध्यम से राजनीतिक गतिरोध दूर करने की बात कही गई। पहली बार अगस्त प्रस्ताव में भारतीय संविधान
को लिखित रूप बनाने का अधिकार भारतीयों का माना गया कि भारतीय संविधान की रचना भारतीय ही करेंगे। ये पहली बार ऑफिशियली ब्रिटिश सरकार ने 1940 का अगस्त प्रस्ताव माना, उस समय वायसराय लॉर्ड लेनलिथगो थे। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद 1945 में बेबल योजना, बेबल प्लान या शिमला समझौता हुआ, लेकिन वो भी किसी तरीके से स्वीकार नहीं हुआ दोनों पार्टियों को। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का आगमन हुआ जिसका मूल उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो राजनीतिक गतिरोध है उसे दूर करना और भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन करना। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया गया। भारत में चुनाव हुए थे, ठीक है, और इसके बाद अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा यानी कि राज्यों के द्वारा प्रतिनिधियों को चुना गया और हर 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। यानी कि जो जैसे कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य है ना, उसी प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों का भी सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। इस तरीके से संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके बाद दूसरी बैठक 11 तारीख को हुई, 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन बाद। तो 9 दिसंबर को पहले अस्थायी अध्यक्ष सत्यदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था, ठीक है। 2 दिन बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, जो उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया संविधान सभा द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से संविधान का पूरा खाका बताया गया कि संविधान को किस तरीके से बनाया जाएगा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान में बहुत सारी कमेटीज थी जिनके माध्यम से संविधान को बनाया जाना था। संविधान के संवैधानिक सलाहकार, संविधान बनाने के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी एन राव, ठीक है। तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से संविधान बनाना प्रारंभ किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी 3 वर्ष में 12 दिन कम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुई थी संविधान सभा की बैठक और 26 नवंबर 1949 में संविधान को तैयार कर दिया गया। उस समय कुछ आर्टिकल जो है प्रभावी हो गए थे उसी टाइम पीरियड से, लेकिन मूल जो संविधान के जो बड़े काफी बड़ा पोर्शन है वो सब 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू किया गया, ठीक है। संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बना था उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में धीरे धीरे आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन होते रहे और वर्तमान में देखा जाए तो संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 465 के आसपास है। ऐसा नहीं है कि 395 के बाद कोई 396 आर्टिकल बनाया गया, ऐसा नहीं है। इन्हीं आर्टिकल्स के बीच में, आर्टिकल के बीच में 9A 9B ऐसे करके आर्टिकल्स जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। इन्हीं की संख्या जो है संख्या के आधार पर 465 है, 395 आर्टिकल आज भी है, 396 नाम का कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जो भाग हैं लगभग 25 भाग के आसपास हो चुके हैं भारतीय संविधान में, 24 या 25 भाग, कहीं 24 भाग आते हैं कहीं 25 भाग आते हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद अनुसूचियां, 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, 12 अनुसूचियां हो गई। तो ओवरऑल वर्तमान संविधान में 24 भाग, 12 अनुसूचियां, ठीक है, और 465 अनुच्छेद लिखे मिलते हैं टाटा मैग्रा-हिल या फिर ये बुक्स में देखें, वैसे हैं 395 ही मूल संविधान वाले, ठीक है। इस तरीके से संविधान में वर्तमान में 101 संशोधन हो चुके हैं, 101 संशोधन। तो टोटल कितने भाग हैं? 24 भाग हैं। सब भाग के बारे में हम लोग क्रमशः पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान का भाग 1 सबसे पहले प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है। तो प्रस्तावना में कुछ मूल टर्म्स है जैसे कि संप्रभु संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। तो जो मूल प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्द बाद में जोड़े गए, कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए, ठीक है। संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग केशवानंद भारती बाद में जो आया था उसके माध्यम से उसको भारत का अंग बना लिया गया। इसके पहले जो है 2-3 विवाद थे, जैसे कि एक विवाद था बेरुबरी मामला, ठीक है, इंद्रू बेरीवादी, उसमें संविधान का अंग नहीं माना गया था। उसी के द्वारा बोलेगा कि प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा उलझता है, प्रस्तावना को कई जगह पे भारतीय संविधान की आत्मा भी बोला गया है, ठीक है। तो एम हिदायतुल्ला के अनुसार, एम हिदायतुल्ला कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और भारत के राष्ट्रपति भी बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो एम हिदायतुल्ला जो हैं ये, इनके अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। लेकिन बी आर अम्बेडकर के अनुसार पूछे तो आर्टिकल 32 जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ओवरऑल हम सभी भागों को एक बड़े ही तीव्र गति से देख लेते हैं। प्रस्तावना के बाद भाग 1
भाग एक जो है इसका जो आर्टिकल इसका नाम है संघ और उसका राज क्षेत्र, ठीक है। आर्टिकल एक से लेकर चार इससे संबंधित है। नेक्स्ट है भाग दो, इसमें दूसरा ये नागरिकता से संबंधित है, इस भाग दो को नागरिकता, आर्टिकल पांच से लेकर ग्यारह, ठीक है। भाग तीन मूलाधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बारह से लेकर के पैंतीस। भाग चार राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो राज्य को निर्देश दिए गए कि किस प्रकार के कानून बनाएगा, आर्टिकल छत्तीस से लेकर इक्यावन। भाग पांच संघ, संघ से संबंधित, संघ सरकार से संबंधित है, ठीक है। संघ सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सरकार के तीन स्तंभ होते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, संघ की कार्यपालिका की बात करें तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद जिसमें प्रधानमंत्री भी सम्मिलित है, महान्यायवादी, ठीक है, ये आते हैं कार्यपालिका में। ये है अस्थायी कार्यपालिका, एक स्थायी कार्यपालिका होती है जिसमें देश का जो ब्यूरोक्रेसी है इसके अलावा और भी जो सिस्टम जो इंप्लीमेंट करती है। कार्यपालिका का काम है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को इंप्लीमेंट करना। इसके बाद दूसरी संस्था है विधायिका, ठीक है। विधायिका यानी लोकसभा के बारे में भी इसी में बताया गया, लोक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन सब के बारे में यहां पर बताया गया है, ठीक है। कार्यपालिका विधायिका के अंतर्गत राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, इनके सदस्यों की संख्या क्या होगी, कैसे गठन होगा, कैसे क्या चीजें हैं, सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। विधेयक बताया गया, धन विधेयक, वित्त विधेयक, सारी चीजें इसमें विधायिका के अंतर्गत। और न्यायपालिका, न्यायपालिका का एकीकृत ढांचा है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इसके बाद हर राज्य में अपना हाई कोर्ट है, अभी वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 24 है, ठीक है। तो इस तरीके से न्यायपालिका के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो ओवरऑल आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक ये है संघ में। डीपीएसपी में कितने, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। बीच में एक और भाग है, भाग 4A क्या है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य, ठीक है, रशिया के संविधान से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो भाग 4A यहां पर है, 4A मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। इसमें 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भाग 5, भाग 5 152 से 237, ठीक है, पूरे आर्टिकल्स हैं इसमें, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जो है। भाग 5 के बारे में मैंने चर्चा कर ली। भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार, इसमें राज्य आर्टिकल 152 से लेकर 237, इसमें राज्य की कार्यपालिका यानी गवर्नर, उसकी मंत्रिपरिषद जिसमें मुख्यमंत्री भी सम्मिलित है और महाधिवक्ता, ठीक है। ये हो गया स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका में राज्य की ब्यूरोक्रेसी जो आती है। इस तरीके से विधायिका यानी राज्य का विधानमंडल, दो सदन है राज्य के विधानमंडल में, अभी वर्तमान में 6 या 7 राज्य हैं जहां पर दो सदनीय विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद। इसके बाद न्यायपालिका, न्यायपालिका हर राज्य में अपना कोर्ट है। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय है, जिलों में अपने अपने न्यायालय है, इसके अलावा तहसीलों में मुंसिप न्यायालय है, ग्राम बहुत सारे न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय बहुत बड़ी संख्या है, बाद में डिटेल में कभी पढ़ेंगे। भाग 6 जो है ये राज्य से संबंधित है। भाग 7 संघ राज क्षेत्र से संबंधित है, जिसे निरसित कर दिया गया, खत्म हो गया। जब राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बना था, यानी प्रारंभ में जब भारत का एकीकरण हुआ, विलय किया गया सारी रियासतों को, तो उस समय भारत में जितने भी राज्य थे उनको 4 समूहों में बांट दिया गया था, समूह एक, समूह बी, समूह का ऐसे करके बना दिया गया था, जिसमें एक समूह में रियासतें रख दी गई थी, एक समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रख दिया गया था, एक समूह में ब्रिटिश प्रांत रख दिए गए थे, एक समूह में चीफ कमिश्नरी प्रांत रख दिए गए थे। तो 4 समूह में थे, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग बना, 7वां संविधान संशोधन और उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया, तो इस भाग को निरसित कर दिया गया। नेक्स्ट है भाग 8, भाग 8 में आर्टिकल कितने हैं, 243 से लेकर 242 तक, ये आर्टिकल भाग 8 में है, ठीक है। ये है संघ राज क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, वर्तमान में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, ठीक है, उसमें सम्मिलित है। इसमें एक आर्टिकल है 239AA, ठीक है, इसमें जो संविधान संशोधन किया गया था 92वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, दिल्ली में एक विधानमंडल बनाया गया और एक मुख्यमंत्री यानी कि पूरा जो एक उपराज्यपाल के साथ साथ एक विधानमंडल भी बनाया गया यहाँ पे, ठीक है। पुदुचेरी वहां पर भी विधानमंडल है, ठीक है, 30 सीटें हैं वहां पर। तो दिल्ली और पुदुचेरी दो ही हैं जहां पर विधानमंडल है, जहां पर मुख्यमंत्री बैठता है, यानी भारत में 29 राज्य और 2 राज्य ऐसे हैं, 29 राज्यों में मुख्यमंत्री है और 2 केंद्र शासित प्रदेश यहां पर भी मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है भाग 8, ठीक है, भाग 8 के बारे में हुआ, संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश,
भाग 9 पंचायतों से संबंधित लोकल बॉडी स्थानीय प्रशासन से संबंधित है 243। इसमें भाग 9 ए ये नगर पंचायत से संबंधित है, भाग 9 बी सहकारी समितियों से संबंधित है। दो संविधान संशोधन हुए थे, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। इनके माध्यम से पंचायतों को सम्मिलित पंचायतों के बारे में उपबंध किया गया। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में ये बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो पंचायतों का गठन करे और इनको बहुत सारे अधिकार इनके माध्यम से दिए गए। आर्टिकल 243 ये बहुत बड़े आर्टिकल है, 243 ए बी सी डी करके जेड काफी लंबा आर्टिकल है, ठीक है। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, इसमें एक ही आर्टिकल है 244, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। भाग 11 ये है संघ और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में कैसे कैसे संबंध होंगे। तो जो प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध है यहाँ पर 243 से लेकर 263 तक इनका उल्लेख किया गया है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, सवर्ती सूची, शेड्यूल 7, ठीक है, 245 आर्टिकल 245 के अंतर्गत अनुसूची 7, उसमें संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंधों को विभाजित किया गया है। संघ सूची में केंद्र सरकार के पास पावर है कि कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार के पास पावर है, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाती है, और अवशिष्ट विषय ये केंद्र सरकार के पास होते हैं, ठीक है। अवशिष्ट विषय दो हैं अभी वर्तमान में, दो अंतरिक्ष अनुसंधान और साइबर सुरक्षा, ये दो विषय ऐसे निकल के आए हैं जो अवशिष्ट विषय है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 264 से लेकर 301 तक है, यह वित्त संपत्ति संविदा और वाद से संबंधित है, ठीक है, वित्तीय संबंध। इसी के अंतर्गत 280, ठीक है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसमें बताया गया, अभी तब तो इसी में एक नया अभी संविधान 101वां संविधान संशोधन हुआ है, जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 जोड़ा गया है, 279 ए जोड़ा गया है, ठीक है, जीएसटी काउंसिल इसी में जुड़ी है। नेक्स्ट है भाग 13 है भारत के राजक्षेत्र के व्यापार वाणिज्य और समागम, ये एक तरीके के अधिकार है कि आप भारत में किसी भी राजक्षेत्र में जाकर व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, घूम सकते हैं, समागम कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात हुई है। देखिए संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 44वां संविधान संशोधन करके हटा करके वहां कहां रख दिया गया, 301 के अंतर्गत रख दिया गया। नेक्स्ट है भाग 14 क्या है, भाग 14 के अंतर्गत संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग का गठन, ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाओं की बात, आर्टिकल 312 आर्टिकल 315, ठीक है, वो यहीं पर है। आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक ये जो है संबंधित है संघ राज्य क्षेत्रों की सेवाओं से। इसी में एक संविधान संशोधन करके आर्टिकल 14 ये जोड़ा गया जिसका ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात हुई, ट्रिब्यूनल्स ये भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। प्रशासनिक अधिकरण आपको पता होगा जो केंद्रीय ट्रिब्यूनल्स होता है, जब सिविल सर्विसेज अधिकारी होते हैं उनका जो विवाद है वो ट्रिब्यूनल्स में ही सुलझाया जाता है। नेक्स्ट है भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल 324 से लेकर 339, लेकिन मताधिकार जो मत का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, एक प्रश्न कई बार अभी यूपीएससी में भी आया था। तो मताधिकार जो है वो लीगल राइट है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार, यानी कि यदि आप जो रूल एंड रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करेंगे तभी आपको मतदान का अधिकार मिलेगा। यदि आप रूल एंड रेगुलेशन, जैसे कि मान लीजिए यदि आपको जेल हो जाती है, ठीक है, तो आपका मताधिकार खत्म हो सकता है, दिवालिया हो जाते हैं तो मताधिकार खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मताधिकार जो है वो लीगल राइट है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार की बात कही गई है, ठीक है, निर्वाचन आयोग के पूरे चीजों के बारे में। अभी समय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो हैं पार्टियों के अंदर विवाद हुए, जैसे सपा के अंदर अभी जेडीयू के अंदर चल रहा है जो आवंटन होता है, चुनाव चिन्ह आवंटन, ठीक है, वो सब चीजें आप देख लीजिएगा, बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। भाग 16 ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है, आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक, ठीक है, इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें एससी एसटी कम्युनिटी, एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी, उनको लोकसभा में आरक्षण कितना है, 330 331 332 333 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार देख लीजिएगा। आर्टिकल भाग 17, ठीक है, राजभाषा से संबंधित है, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज जोड़ा गया है, 343 से लेकर 351 तक है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट इमरजेंसी भाग 18, आर्टिकल 352 बाह्य आपातकाल, आर्टिकल 356 राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है, डिटेल नॉलेज बाद में जब आर्टिकल देखेंगे तब करेंगे। इसके बाद भाग 19, यहाँ पर मैंने भाग 19 नहीं लिखा है, भाग 19 मिसलेनियस टर्म्स से संबंधित है, मिसलेनियस टर्म्स आर्टिकल 361 से लेकर 367 ये जो है भाग 19 है। इसके बाद भाग 20 संविधान संशोधन, संविधान का संशोधन कैसे किया जाएगा, संविधान आदेश देता है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, लेकिन उसको संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा और लोकसभा से
बराबर बराबर पारित होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 से अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, ठीक है, इसको हटा दिया गया। आर्टिकल 369 से लेकर 392 से जुड़े हुए हैं, आर्टिकल 369 से लेकर 392 अब इसको हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकरण पाठ, ठीक है, संविधान का प्रारंभ कब से होगा, संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है, ठीक है, और इस तरीके से आर्टिकल इसमें कौन से हैं 393 से लेकर 395, इसलिए इस तरीके से मैंने आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 395 तक आपको बता दिए। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, पहली अनुसूची संघ के नाम, ठीक है, राज्य क्षेत्र जितने हैं उनका सबका क्षेत्रफल लिखा हुआ है, उनके बारे में डिटेल नॉलेज लिखी गई है, भारत के जितने राज्य हैं। अनुसूची 2 वेतन से संबंधित है, अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है, शपथ, ठीक है, अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, हर राज्य में कितने राज्यसभा की सीटें होंगी उनसे जुड़ा हुआ है। इसके बाद अनुसूची 5 AMTM को छोड़कर, यानी कि असम, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको छोड़ करके अन्य जितने भी राज्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाएं उन पर प्रशासन से संबंधित है। आर्टिकल 6 ये AMTM में प्रशासन से संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 7 ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, तीनों के बारे में अनुसूची 7 में, अनुसूची 8 जो 22 भाषाएं हैं उनके बारे में अनुसूची 8 में बताया गया है। इसके बाद अनुसूची 9 भूमि सुधार से संबंधित, ठीक है, पहले ही संविधान संशोधन में अनुसूची 8-9 जोड़ी गई थी। इसके बाद अनुसूची 10 दल बदल अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय बहुत ज्यादा विवाद में है ये, ठीक है, विवाद में या फिर इसमें संविधान संशोधन भी हुआ था जिसके माध्यम से मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 15% कर दी गई थी, लोकसभा या विधानसभा से, राज्यों में ऐसे केंद्र में लोकसभा की टोटल संख्या का 15% मंत्रिपरिषद में होगा और राज्यों में विधानसभा की टोटल संख्या का 15% होगा, इसमें दल बदल नियम में ही संशोधन किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल 11 ये ग्राम पंचायतों संबंधित है जिसमें 29 विषय हैं, और आर्टिकल 12 वो अनुसूची 12 जो है वो किससे जुड़ी हुई है, वो नगर पंचायतों से जुड़ी है जिसमें 18 विषय हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा संवैधानिक विकास, कैबिनेट मिशन योजना संबंधित बातें, सभी भाग, सभी अनुसूचियां बता दी। संविधान में अभी तक 101 संशोधन हो चुके हैं, 42वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे लघु संविधान कहा जाता है, 42वां से पहले 24वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया गया था। इसके बाद फिर 44वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 44वां के बाद 86वां 86 संविधान संशोधन, उससे पहले 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो इंपॉर्टेंट रिसेंटली हुए 99 था NJAC से संबंधित, ठीक है, NJAC उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। 100वां जो था वो बांग्लादेश में भी राज्यों को दिया गया है, भारत के बीच में एक सीमा एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो 100वां था, और 101वां GST काउंसिल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से सारे संविधान संशोधन सारी चीजों का एक संक्षिप्त विवरण मैंने आपको दिया। ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट एक वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें सारे संविधान के जितने भी आर्टिकल होंगे बड़े डिटेल से, तो पढ़ने का टाइम नहीं बचा तो, लेकिन हम सारी चीजें डिटेल से भी देखेंगे, सारे आर्टिकल धीरे धीरे देख लेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।